नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सांपला मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं होने के कारण किसानों में भारी रोष है। किसानों का कहना है कि सांपला मंडी में धान की खरीद को लेकर राजनीति की जा रही है, क्योंकि सांपला हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विजयी हुए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार खुन्नस निकाल रही है। किसानों ने बताया कि वे पिछले एक सप्ताह से अपनी धान की फसल को लेकर सांपला मंडी में डेरा डाले हुए हैं। उनको ना तो कोई आड़ थी और ना ही कोई सरकारी खरीदार पूछ रहा है, जबकि रोहतक की मंडी में लगातार खरीद जारी है। वहीं आज मौसम भी खराब हो गया। अगर ऐसे में बरसात हो गई तो सारी फसल भीग जाएगी और नुकसान सिर्फ किसानों का ही होगा। किसानों ने बताया कि भाजपा सरकार उनको परेशान कर रही है। वहीं आढ़तियों का कहना है कि मंडी में पीआर धान की खरीद सरकार HSWUC की तरफ से करती है, लेकिन पिछले कई दिनों से कोई भी खरीदार मंडी में नहीं पहुंचा है। कई बार मार्केट कमेटी के फैक्ट्री और तमाम बड़े अधिकारियों को इस बारे में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक फसल खरीदने के लिए नहीं पहुँचा है। सांपला से हमारे संवाददाता विकास और लियान की रिपोर्ट। कुलताना से आया हुआ हूँ, ठीक कम से कम मेरा 300 मनाज पड़ा है यहाँ पर। तो कितने दिन से पड़ा है ये? सर 5 तारीख से पड़ा है। तो नाज को खरीदने वाला या देखने वाला कोई नहीं आता? सर ना तो कोई बानिया, वो बानिया ये मना कर रहे हैं भाई ऊपर से कोई खरीदार नहीं है, हम क्या करें? ठीक ना कोई सरकार का कोई सा आदमी आके जो हमारी माई सुन ले या और कुछ कर ले। हमारी ब्रांड माटी ऐसी हो रही है कि हमने जिंदगी भर पहली बार ये देखा है कि इतनी किसान की ब्रांड माटी। भाई वेयर हाउस कंपनी खरीदे हैं HSWC की, और ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं उनके पास बार बार फोन कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है, एक हफ्ते से कोई परचेज नहीं हो रही यहाँ पे पीआर धान की। हाँ जी, पीआर की, ये सारा पीआर ही पड़ा है, यहाँ से वहाँ तक सारा पीआर पड़ा है और ये जमींदार बैठे हैं। आपका क्या नाम है? मोहित सिंधु भाई। क्या आप यहाँ पे क्या करते हो? कमीशन एजेंट आड़ती भाई। भाई शिकायत हमने मार्केट कमेटी में बोल लिया कई बार, उन्होंने भी वो दिया, वो मार्केट कमेटी भी हमारे साथ है। साथ मेरा नाम विजयदीप है भाई। विजयदीप कहाँ से आए हो? समाल से आया हूँ जी। कितना माल है और कितने दिन हो लिए? 250 मन के आसपास है जी। 5 तारीख से आया था मैं, यहीं पड़ा हूँ जी। अब तक मेरे कोई तो माल नहीं है और बढ़िया माल को लेता नहीं और वे खरीदारी आते नहीं है जी। तो माल की खरीदारी नहीं हो रही? कोई माल की खरीदारी जी, 5 तारीख से यहीं पड़े हैं, सुबह से हम तो यहीं पड़े रहा और सान बढ़िया करके अपने घर जाओ भाई। अपने घर चले जाओ। धान में कोई नमी नहीं, आज जो सैंपल भर लो जी, बेसिक सैंपल भरने वाले नहीं आ रहे जी यहाँ। राजवीर कहाँ से आए हो? राजवीर जी ये समाया था। कितना माल है? होगा 50 माल है, मतलब 32 क्विंटल माल। तो क्या बात, कितने दिन हो गए आपको खरीद हो रही है नहीं हो रही? 7 तारीख का पेड़ हमारे कोई खरीद नहीं, बनिया लेते नहीं, क्यों ये करेंगे लेकिन नहीं, गवर्नमेंट के खरीदने वाले आते नहीं। कोई भी आदमी नहीं है आपके माल को देखने? कोई भी नहीं आ रही है, और सूखे प्योर सूखे थ्रेसर के निकाले हो रहे जी। सर अब तक कितना माल खरीदा गया, कब से खरीद बंद है और कितना माल पेंडिंग पड़ा है? राजमंडी सांपला में अब तक 13,641 क्विंटल पीआर धान की खरीद हो चुकी है और लगभग 6,029 क्विंटल अभी मंडी के अंदर मौजूद है जो खरीदा नहीं गया है। और इस बारे में उच्च अधिकारियों को आज भी पास दोबारा से एक लेटर लिख के भी DM वेयर हाउस को भी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।